So we are going to start with next chapter, chapter 7, the diversity and living organisms. So this is just name of the chapter, diversity, and obviously name hi confusing hai ki diversity kya hota hai, fir itna bada sa name aa gaya hai. So this chapter seems like ki pata nahi kaisa chapter hoga, aur agar jinhone NCERT open karke dekhi hogi unko shayad thoda sa dar bhi lag gaya hoga, but do not worry. This is a very easy chapter. You just need to understand the concepts. Okay. So I'm just moving towards the next slide. अब हम बात कर लेते हैं कि हमने चैप्टर का नाम तो पढ़ लिया कि डाइवर्सिटी है एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द चैप्टर फर्स्ट, दैट व्हाट डू वी मीन बाय डाइवर्सिटी. लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर लिविंग व्हिच शो द साइंस ऑफ लाइफ, वी विल बी स्टडिंग दोस ऑर्गेनिजम्स इन द चैप्टर. बट व्हाट डू वी मीन बाय डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी actually means variety. मतलब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, we will study about variety of living organisms that are present on this earth. अब इसके साथ साथ diversity एक और thing भी specify करती है. diversity की हम जब भी बात करते हैं, हम variety की बात करते हैं, we also say that each individual is unique because we are talking about variety. For example, if you go and to shop for your clothes, you look for a variety of things. Variety of things like you, Sayam, you raised your hand, you want to ask something. Okay, I'll just unmute you. Yes, I am. You can unmute yourself and ask your question. Sayam, I'm waiting for your question, please. Ask your question. Ma'am, can you please explain the meaning of diversity again? Yes, for sure. Just mute yourself and I'm just explaining it again. Diversity ka matlab hota hai variety. Matlab किस किस चीज, किस किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. इफ यू गो फॉर शॉपिंग, अगर आप अपने कपड़ों के लिए शॉपिंग करने चाहते हैं, क्लोथ्स खरीदने चाहते हैं, सो यू लुक फॉर वैरायटी. लाइक यू वांट टू हैव टी शर्ट्स, यू वांट टू हैव शर्ट्स, यू वांट टू हैव डेनिम्स, यू वांट टू हैव ट्राउजर्स. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैरायटी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स हैं. तो आर चैप्टर इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बहुत सारी वैरायटी है. वैरायटी मतलब कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ एल्गे हैं, कुछ फंजाई हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं. मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दिस चैप्टर. जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो साथ ही साथ एक बात यहाँ पे अपने आप आ जाती है कि हर इंडिविजुअल यूनिक होता है. लाइक लेट्स जस्ट गेट बैक टू द एग्जांपल ऑफ क्लोथ्स अगेन. जैसे हम बात कर रहे थे कि शर्ट के कुछ अपने कैरेक्टर्स हैं, टी शर्ट के कुछ अपने कैरेक्टर्स हैं, डेनिम के कुछ अपने कैरेक्टर्स हैं, ट्राउजर्स के कुछ अपने कैरेक्टर्स हैं. In the same case, when you study about living organisms, हर individual के कुछ अपने characters हैं और वो characters उस individual को unique बना देते हैं. अगर हम humans की बात करें, हमारे पास hair है, हमारे nails grow कर सकते हैं, तो ये हमारे हमारे पास 5 fingers हैं, एक specified thumb भी है, तो ये हमारे अपने unique characters हैं और इन characters को use करके हम डिफरेंट थिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं. ओके, सो अब हमें क्लियर हो गया है दैट आवर चैप्टर इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो वी आर गोइंग टू स्टडी वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ. इस अर्थ पे जितने भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है सबको हम इस चैप्टर में स्टडी कर लेंगे. बट is this even possible to study all the different type of organisms that are present on this earth? No, it is not. It seems practically impossible. Kyunki agar main aapse question puchu, can you just name the type of
Okay, so because there's a disturbance from your side, I'm just muting all of you, and you cannot unmute yourself. If you want to ask something, you can just raise your hand. Okay. So the question was, जो मैं आपसे पूछ रही थी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, यू कैन नॉट इवन नेम देम. बिलियन, ट्रिलियन, जिलियंस, वी डू नॉट नो. क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज तो अभी ऐसी हैं जिनको हम डिस्कवर ही नहीं कर पाए. सो हाउ डू वी इवन एस्टिमेट दैट हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर ऑन अर्थ. बट ऑब्वियसली देयर आर मोर देन बिलियंस एंड मोर देन ट्रिलियंस. तो अगर हम बात करें कि हम अपनी लाइफ में ट्रिलियन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारी लाइफ में तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता, राइट? तो फिर हमें, लेकिन चैप्टर का नाम तो दे दिया डाइवर्सिटी, और लोग स्टडी भी करते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी हेल्प से लोग स्टडी करते हैं इतने लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को. फिशमैन, यू रेज योर हैंड. Yes, Kushman, just unmute yourself and ask your question. Kushman? Yes, Kushman, ask your question, please. Waiting for your question, Kushman. You are unmuted. Ask your question. Okay, so now, next time if you have any query, just note down your query and I'll just keep 5 minutes, last 5 minutes for your questions, and do not disturb in between. Okay, chaliye. So, moving back to the chapter, to main baat kar rahi thi, it's practically impossible to study these large group of organisms in your lifetime. लेकिन लोग तो स्टडी करते हैं, एवरीवन स्टडीज, हमारे चैप्टर का नाम भी है. तो इसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए. तो फिर क्या सॉल्यूशन होगा, वो हम अभी इस टॉपिक में बात करेंगे. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई असाइन यू अ टास्क that you go and collect the information about all the students of your school. Now you will say that, ma'am, there are so many students in our school, so this is impossible to collect the information about each and every student of the school. लेकिन मैं कहूंगी, no, no, you have to do this. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, so you won't get promoted to the next class. अब आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड सम अदर वे आउट टू जस्ट गेन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल. अब आपको पहले पॉइंट पे लगेगा कि ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि मैंने अगर आपसे किसी बच्चे के बारे में पूछ लिया और आपको याद नहीं रहा तो आप क्या करोगे. तो वेल, जितना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है उतना है नहीं, बिकॉज वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस. And the solution is that you divide the students into small groups. और वो small groups तो already बने हुए हैं. कौन से groups? Like students already divided हैं classes में. Like class 12th, class 11th, class 10th, class 9th. So what will you do is, आप क्या करेंगे? You will study the characters of each class. Like आप स्टडी कर देंगे, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आर वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑलवेज डिसिप्लिन्ड, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर टीचर्स एंड दे आर सो हम्बल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th आर नॉटी, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th दे आर सो इंटेलिजेंट, दे ऑलवेज कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम. तो अगर मैं आप अपना सारा का सारा डेटा कलेक्ट करके आ जाते हैं एंड यू कम टू मी and then I'll ask you a question like, tell me about the student who belongs to a class like 9th per. And then you will say, ma'am, they are so intelligent and disciplined always. I'll say, oh, wow, you have
collected a very good database and you have some good information about it. And then I'll say, okay, tell me something about the student of 9th 2B. I'll just tell you the name, like this is the name of the student of class 9th 2B, and tell me something about him or her. And then you will say, mom, they are so humble, they always respect their teachers. And then I'll be impressed, okay, wow, that within a limited span of time you have gathered so much information about them. लेकिन एक्चुअली आपने हर एक इंडिविजुअल को जाके स्टडी नहीं किया. आपने क्या किया, आपने उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप्स के करेक्टर्स पढ़ लिए. अब उस ग्रुप में जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा आप उस वाले करेक्टर्स को उनके लिए यूज कर लेंगे. रुजुल, यू रेज योर हैंड, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क अ क्वेश्चन. रुजुल, यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके. इसके बाद हम बात करते हैं, तो हमने इतने लार्ज नंबर को स्टडी कैसे किया, एक्चुअली ये सब पॉसिबल हुआ कैसे? ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? प्रांजल, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज. मैम, योर वॉइस इज नॉट क्लियर. ओके, सो आई थिंक देयर माइट बी सम प्रॉब्लम विद द नेटवर्क एट योर साइड, बिकॉज़ आई चेक माय नेटवर्क एंड दे आर गोइंग गुड. Just try to move to some place where networks are good. Okay. So हम बात कर रहे थे कि हमने actually इतना सारा large number study किया कैसे, ऐसा possible हो कैसे गया कि आपने सारे के सारे school के बच्चों को एक साथ पढ़ लिया. किया कैसे? हमने उनको categorize कर दिया, हमने उनको classify कर दिया. अगर ये कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन समझ नहीं आ रहा, तो सिंपली हमने उनको क्या किया, हमने उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया. फिर हमने क्या किया, उन ग्रुप्स को स्टडी किया. अब उस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जितने भी एनिमल्स आएंगे, सबके सबका सेम करेक्टर होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक ग्रुप बनाया पहले 9th क्लास का, फिर उसके बाद 9th क्लास में आपने सेक्शंस बना दिए, 9th पर्ल, 9th रूबी, 9th डायमंड, 9th सफायर. सो पहले अगर मैं आपसे 9th क्लास का पूछती हूँ, यू विल से, मैम, दे आर सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, देन आई आस्क अबाउट 9th पर्ल, 9th रूबी, तो आपके पास उनके लिए कुछ अलग अलग करेक्टर्स होंगे. तो आप 9th पर्ल में जो भी स्टूडेंट आएगा, 9th रूबी में जो भी स्टूडेंट आएगा, सबके लिए सेम करेक्टर्स अप्लाई होते जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इतने ही ग्रुप्स पे रुक जाते हैं. अगर हम बात करें, हम 9th पर्ल में भी और छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं, लाइक अबव 90%, अबव 80%, अबव 70%, एंड द सेम वी कैन डू इन 9th रूबी एज वेल. मतलब एक बड़ा ग्रुप बनाएंगे, फिर उसमें और छोटा ग्रुप बनाएंगे, फिर उसमें और छोटा ग्रुप बनाएंगे, ताकि हम ऑर्गेनिजम्स को डिटेल में स्टडी कर सके. चलिए, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. तो अब हम बात कर रहे थे कि जब भी हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना होता है, हम इसी मेथड को यूज करते हैं, लाइक वी क्लासिफाई देम इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. मतलब हम उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर चैप्टर. आवर चैप्टर वाज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हमारे चैप्टर का नाम यही था कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी पढ़ने वाले हैं. तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम आई थी कि हम इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन वी फाउंड अ सॉल्यूशन दैट वी कैन डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स. सो द क्वेश्चन इज, कैन वी यूज दिस अप्रोच फॉर स्टडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल? एब्सोल्युटली यस, एंड इट इज अ करेक्ट मेथड टू स्टडी द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हम यही तरीका यूज करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए. मतलब अब हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग ग्रुप्स में बांट देंगे, फिर हम उन ग्रुप्स की स्टडी करेंगे. ग्रुप्स की स्टडी करेंगे तो उन ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, हम अल्टीमेटली उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर लेंगे. ओके, सृष्टि, यू रेज योर हैंड, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. Ma'am, you said that we will form a group of the particular. Yes. I can't hear you, Srishti.
Yes. Particular. Ma'am, you said that. Particular class or the children, but how can we use the same as in the living organisms? Because just wait, Srishti. I'm going to explain that in the later sections of the chapter. Just have some patience, okay? And I'm going to explain that in detail, okay, Srishti? Okay. So just wait, let's just understand the concepts first. Then I'm going to just define that how are we going to classify the living organisms. We will just go on to that topic after some minutes. So we define that we need to classify the organisms in order to study them. क्लासिफिकेशन तो करना पड़ेगा, बिना क्लासिफिकेशन के हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी नहीं कर सकते. तो फिर आप पहले ये तो समझ लें कि क्लासिफिकेशन होता क्या है. व्हाट डू वी मीन बाय क्लासिफिकेशन? द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. जब हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 9th क्लास की बात कर लेते हैं तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द 9th क्लास शेयर सिमिलर सब्जेक्ट्स. उसके बाद लेट्स से 90% एंड अबव वाले एक सेक्शन में, 80% एंड अबव वाले नेक्स्ट सेक्शन में, 70% एंड अबव वाले नेक्स्ट सेक्शन में. सो हमने सिमिलैरिटीज के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया. But if we talk about the living organisms, हमारे characters कुछ अलग होंगे. That we will discuss in the next slide. Okay. Anyone who wants to ask the question? Okay. Sure. अब बात आती है कि classification की need क्या है. हम जब इतनी देर से discuss कर रहे हैं that we need to classify the organisms, we are also trying to understand that what do we mean by classification. So is classification ki need hi kya hai? Let's just understand that whenever we classify the organisms, hum jab bhi classification karte hain, क्लासिफिकेशन की वजह से हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को बहुत इजी और सिस्टमैटिक मैनर में स्टडी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बात की थी कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उनको एक बार में स्टडी नहीं कर सकते. क्लासिफाई कर लेंगे तो सिस्टमैटिक मैनर हो जाएगा. लाइक हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट करेंगे एंड वी विल मूव टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स. सिंपल मतलब एक बैक्टीरिया से स्टार्ट करेंगे स्टडी करना और ह्यूमन बींग्स तक चले जाएंगे जो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. साथ ही साथ जब हम क्लासिफाई करते हैं तो ये हमें हेल्प करता है समझने में कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे टाइम के साथ इवॉल्व हुए हैं. क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं तो हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स स्टडी करते हैं, लाइक बैक्टीरिया से शुरू करते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है. एक मेम्ब्रेन है और अंदर न्यूक्लियस है एंड दैट न्यूक्लियस इज आल्सो नॉट कवर्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. फिर हम धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स की तरफ बढ़ेंगे जिनकी बॉडी में एडिशंस आने शुरू हो जाएंगी, जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगी और फिर हम पहुंच जाएंगे ह्यूमंस तक. ह्यूमंस जिनकी बॉडी ऑलरेडी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हम समझेंगे इवोल्यूशन का मतलब होता है कि टाइम के साथ जो जो चेंजेस आते रहते हैं. मतलब एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुए और कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गए जिनमें टाइम के साथ साथ कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहे. साथ ही साथ जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ये हमें हेल्प करता है ये समझने में कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटर रिलेटेड कैसे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम स्टडी करेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में, हम स्टडी करेंगे चिंपांजीज के बारे में, हम स्टडी करेंगे गोरिल्लास के बारे में. तो जब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे हमें ये समझ में आएगा कि इन सब के करेक्टर्स तो बहुत ज्यादा मैच करते हैं. जब हमें ये समझ में आएगा कि इन सब के करेक्टर्स इतने ज्यादा मैच करते हैं तो हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि ये आपस में इंटर रिलेटेड है. मतलब इनके ये एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं, इनके आपस में रिलेशनशिप्स हैं.
और अगर हम अपने को ह्यूमन बीइंग्स को बैक्टीरिया से रिलेट करते हैं तो हमारे करेक्टर्स मैच नहीं करते। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, हम यूकैरियोट है, वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, हम मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे करेक्टर्स मैच नहीं करते, इसलिए हम में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो जब हम क्लासिफाई कर लेते हैं, हम रिलेशनशिप्स बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी डिड्यूस कर सकते हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी है। हमारे लिए इतनी सारी वैरायटी को समझ पाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि हम उनको क्लासिफाई कर दें। क्लासिफाई करने का मतलब क्या हुआ? उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दें। तो इम्पॉर्टेंस क्या हुई क्लासिफिकेशन की? हमें फायदा क्या होगा क्लासिफिकेशन का? कि हम उनको इजीली पढ़ सकते हैं, हम इवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं, साथ ही साथ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि साइंटिस्ट ने फिर क्लासिफिकेशन को अटेम्प्ट कैसे किया। हाउ डिड द फर्स्ट साइंटिस्ट अटेम्प्टेड द क्लासिफिकेशन एंड हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट दैट ट्राइड टू अटेम्प्ट क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स? सो काइंडली रिमेंबर द नेम एंड यू हैव टू मार्क इट इन योर एनसीईआरटी एज वेल। साइंटिस्ट दैट एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफाई करने का अटेम्प्ट किया था और उसने एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया इस बेसिस पे कि वो लैंड पे रहते हैं, इफ दे लिव इन वाटर और इफ दे लिव इन एयर। बट दिस इज वेरी मिसलीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, नाउ लेट अस जस्ट थिंक कि वाटर में शार्क्स भी रहती हैं, ऑक्टोपस भी रहते हैं, स्टारफिश ऑल्सो रिजाइड इन द वाटर एंड टर्टल ऑल्सो रिजाइड इन द वाटर। Now let us just think at the features of these organisms. Turtle ke paas four limbs hain and with the help of that it can swim. Starfish ke paas five arms hain aur uski flat body hai. Octopus ke paas eight limbs hain aur circular body hai and sharks ki fish like body hai. तो ये कितने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि इनकी बॉडी इतनी ज्यादा डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली इनके जो बॉडी के फीचर्स होंगे, इनके जो बॉडी के अंदर सिस्टम्स होंगे, वो भी कितने डिफरेंट होंगे। तो ये तो बहुत ही मिसलीडिंग क्लासिफिकेशन थी, बहुत ही इलॉजिकल क्लासिफिकेशन थी। तो जब लेकिन हमें आइडिया मिल गया कि हमें क्लासिफाई करना कैसे है, कैसे क्लासिफाई करना है, कि हम कुछ करेक्टर्स चूज करेंगे और उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देंगे। नाउ इसके बाद आता है कि चलिए हमारे पास एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमें कुछ ना कुछ बेसिक फीचर्स ढूंढने पड़ेंगे जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फिर उन फीचर्स को या प्रॉपर्टीज को जिनके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, उन फीचर्स को हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हैंड पे पांच फिंगर्स हैं, ये हमारा एक करेक्टरिस्टिक है। हमारे हेयर हैं, वी कैन ग्रो आर हेयर, दिस इज ऑल्सो अ करेक्टरिस्टिक। हमारे नेल्स हैं, दिस इज ऑल्सो अ करेक्टरिस्टिक। So in the same case, when we go to define living organisms, like Srishti asked before, कि मैम हम कैसे करेंगे, तो हम organisms के कुछ characteristics को study करेंगे और उन characteristics के basis पे उनको same groups में डाल देंगे। But still अभी भी we are not very clear about the topic that how to classify the organisms. Rimchim, you raised your hand. Divya also raised hand. Divya Deswal, unmute yourself and ask your question. Prateek, you also raised your hand. Just ask your question one by one. Rimchim, ask your question first. Prateek, ask your question. You can unmute yourself. Yes, Prateek. Okay. Divya, ask your question. I'm waiting for your questions.
Erwin is asking the questions, answer. Let's just move again. Do not raise your hand if you do not want to ask a question. Ma'am, what is the meaning of hierarchy? I'm just going to explain that, but just ask the questions. आप वहीं तक questions पूछेंगे जहाँ तक मैंने explain किया है. जिस topic को मैं अभी explain करने जा रही हूँ, why are you asking the questions from that topic? Please maintain the decorum of the class. I'm just going to explain the next topic where you are going to understand that what do we mean by hierarchy. Yes, Sanyam, just unmute yourself and ask a question. Ma'am, what is the meaning of bewildering? Bewildering का मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के, जिसको देखकर हम हैरान हो जाएं. For example, हिंदी में आप एक वर्ड यूज करते हैं आश्चर्यचकित, राइट? सो दैट इज द सेम. ओके, चलिए इसके बाद हम बात कर रहे थे कि कुछ करेक्टर्स होंगे, उसके बेसिस पे वी विल जस्ट क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लेकिन हम अभी तक एक बात क्लियर नहीं कर पाए हैं कि एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना कैसे है. क्लासिफाई हमें करना है बाय मेकिंग हायरार्कियल क्लासिफिकेशन. अब फिर क्वेश्चन आता है जो आपने मुझसे पूछा था कि हायरार्की का मतलब क्या है. हायरार्की का मतलब है उनको एक सूटेबल लेवल दे देना या फिर एक सूटेबल पोजीशन दे देना. फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि आपने अपने स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को स्टडी करना था, तो आपने कहा कि मैम पॉसिबल ही नहीं है हम सबके सबके करेक्टर्स को स्टडी कर पाए. तो फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं, आपको स्टडी तो करना पड़ेगा. देन व्हाट डिड यू डू इज, कुछ बच्चे 12th क्लास में सीनियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे छोटी क्लास में 8th to 6th वाले, फिर कुछ बच्चे बिल्कुल ही छोटी क्लासेस में 3rd to 5th वाले. तो आपने क्या किया, आपने लेवल्स बना दिए और उन लेवल्स के बेसिस पे उनको स्टडी कर लिया. जैसे फॉर एग्जांपल, एक सबसे छोटे ग्रुप की बात करें, 9th क्लास की ही बात करते हैं, तो 9th क्लास में क्या होगा, सबसे छोटा ग्रुप 9th पर्ल. 9th पर्ल में क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स कम होंगे लेकिन करेक्टर्स मैक्सिमम शेयर करेंगे, कि वहां सब लोग बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक जैसे हैं. सेम इन द केस ऑफ 9th रूबी क्या होगा कि सबसे छोटा ग्रुप, मतलब जो स्टूडेंट्स होंगे वो कम होंगे लेकिन करेक्टर्स एक जैसे शेयर करेंगे कि सबके सब एक जैसे हैं, मतलब सबके सब 90% से अबव वाले हैं और सबके सब बहुत इंटेलिजेंट हैं. इसके बाद फिर आप क्या करोगे, इन सबको मिला के पूरा का पूरा 9th का सेक्शन. अब मतलब क्या हो जाएगा, 9th के पूरे सेक्शन में तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे लेकिन जो करेक्टर्स मैच होते हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जब हम 9th के चारों सेक्शंस को कंसीडर कर लेंगे तो सबके सब तो एक जैसे इंटेलिजेंट नहीं होंगे. मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ज्यादा हो गए, करेक्टर्स जो कॉमन है वो कम हो गए. अगर हम लोअर ग्रुप पे जाएंगे, सेक्शंस की तरफ जाएंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम हो गए और वो जितने करेक्टर्स शेयर करते हैं वो ज्यादा हो गए. तो इसको हम बोलते हैं हायरार्की बना देना, मतलब लेवल्स बना देना, एक बहुत बड़ा ग्रुप, फिर उसमें छोटा सा ग्रुप, फिर उसमें और छोटा ग्रुप, फिर उसमें और छोटा ग्रुप. लाइक पूरी की पूरी 9th क्लास एक बड़ा ग्रुप है, फिर उसके सेक्शंस बना देना, पर्ल, रूबी, डायमंड, सफायर, वो एक छोटा ग्रुप है. उसके बाद मान लो मुझे पर्ल और रूबी में भी 40-40 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सबको तो एक साथ नहीं पढ़ सकती, स्टडी नहीं कर सकती. फिर मैं क्या करूंगी, मैं उनमें भी ग्रुप बना दूंगी कि वो वाले बच्चे जो सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, वो वाले स्टूडेंट्स जो 9 o'clock उठते हैं, वो स्टूडेंट्स जो 7 o'clock उठ जाते हैं, वो स्टूडेंट्स जो 5 o'clock उठ जाते हैं. तो मतलब उस ग्रुप में भी मैंने और छोटे छोटे ग्रुप बना दिए. इसको हम बोलते हैं हायरार्कियल क्लासिफिकेशन, मतलब हम उनके अलग अलग लेवल्स बना देते हैं और उनको सूटेबल पोजीशन दे देते हैं. ऐसे ही मैंने आपके एक स्कूल का एग्जांपल यूज किया है कि जैसे अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो सारे बच्चे एक करेक्टर शेयर करते हैं, यूनिफॉर्म शेयर करते हैं, क्योंकि सबके सब DSPN से, सब लोग दयाल सिंह स्कूल से बिलोंग करते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया. इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और बच्चों की, जैसे क्लास 9th के बच्चों की, तो वो एक और छोटा ग्रुप है.
फिर और सेक्शंस की बात करें पर्ल की, रूबी की, तो वो और छोटा सा ग्रुप है। उसके बाद बात करें अगर हमें और क्लासिफाई करना है तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं किस बेसिस पे कि वो कितने बजे उठ जाते हैं कि या वो कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं। तो मतलब हमने अलग अलग लेवल्स बनाए और उनके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। अब बात आती है एक्चुअल क्वेश्चन कि हम इतने देर से एग्जाम्पल्स की हेल्प से स्टडी कर रहे हैं, तो हम फिर से चैप्टर भूल गए कि हमारा चैप्टर था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि हमें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना है ना, उनके करेक्टर्स कैसे स्टडी किए जाए। तो अब ये करेक्टर्स हैं, ये फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी तक जो हम एग्जाम्पल्स कंसिडर कर रहे थे वो हम अपने स्कूल के कर रहे थे, सेक्शंस के कर रहे थे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द एक्चुअल चैप्टर कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना कैसे है। सबसे पहला फीचर जिसके बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे वो है वेदर दे आर प्रोकैरियोटिक और दे आर यूकैरियोटिक, मतलब वो प्रोकैरियोट्स हैं या फिर यूकैरियोट्स हैं। नाउ आई होप दैट यू आर वेरी क्लियर एट दिस पॉइंट दैट व्हाट डू वी मीन बाय प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट डू वी मीन बाय यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे कि आइदर दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दे आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब वेदर द सेल्स अकर सिंगली का मतलब है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दे आर ग्रुप्ड टुगेदर, मतलब दे आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में डाल देंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक अलग ग्रुप में डाल देंगे। फिर हम उनको फिर से डिवाइड कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ इफ दे कैन मेक देयर फूड और दे कैन नॉट मेक देयर फूड, मतलब वो फोटोसिंथेसिस खुद से कर सकते हैं, खुद से अपना खाना बना सकते हैं, या फिर उन्हें फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत पड़ती है। सो वी हैव डिस्कस्ड थ्री पॉइंट्स ऑफ